is back. हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आपने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में जिस बर्थडे स्टेटस वीडियो को देखा, दोस्तों आज मैं आपको कुछ इस तरह की बर्थडे स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूं। और दोस्तों, आप यहां पर अपने खुद के फ़ोटो से कुछ इस तरह की बर्थडे स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने खुद के फ़ोटो से कुछ इस तरह की बर्थडे स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कानमास्टर ऐप की लिंक मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके कानमास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कानमास्टर ऐप को ओपन करना है। कानमास्टर ऐप ओपन करते ही गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको वीडियो को बनाने के लिए प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नार्सिसिस्टिक की साइज को सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको लेफ्ट साइड में एक सेटिंग वाला आइकन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, डिफॉल्ट डायरेक्शन ऑफ अ फोटो क्लिप। आपको इसकी डायरेक्शन को 0.5 पर इसको सेट करना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है फिल स्क्रीन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको इसको डन कर देना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से गाइस, आपको एक बर्थडे क्लिप को इसमें सेलेक्ट करना है। गाइस, इस वीडियो को बनाने में जो भी वीडियो इफेक्ट साउंड यूज होंगे, आपको उन सभी का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो इफेक्ट और साउंड को डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी सभी वीडियो इफेक्ट और साउंड फ्री में मिल जाएंगे। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी सभी वीडियो इफेक्ट और साउंड को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से गाइस, आपको बर्थडे वीडियो क्लिप को इसमें सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको फिर से मीडिया वाले ऑप्शनों पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको 20-25 वॉलपेपरों को या फोटोओं को सिलेक्ट करना है, जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। इसमें गाइस, हम वॉलपेपर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 20-25 वॉलपेपरों को सिलेक्ट कर लिया है। आपको भी इसी तरह से 20-25 वॉलपेपरों या फोटोओं को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, आपको फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है, लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको इस समय एक साउंड वाली ब्लैक स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको ब्लैक स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद गाइस, आपको इस वीडियो के साउंड को निकाल लेना है। साउंड निकालने के लिए आपको यहाँ से नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्रिक आइडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ब्लैक स्क्रीन वीडियो का साउंड निकल कर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब गाइस, आपको ब्लैक स्क्रीन वीडियो को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है डिलीट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, ब्लैक स्क्रीन वीडियो डिलीट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में साउंड लग चुका है। गाइस, आपको वॉलपेपर की लेयर को कुछ इस तरह से जूम कर लेना है। इस तरह से आपको वॉलपेपर की लेयर को जूम करना है। जूम होने के बाद गाइस, आपको फर्स्ट वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको क्लिप ग्राफिक्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट मोर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह से क्लिप ग्राफिक्स आ जाएंगे। तो यहाँ से गाइस, आपको इन एमिनेशन वाले क्लिप ग्राफिक्स को डाउनलोड करना है। तो आप देख सकते हैं आपको सेकंड नंबर पर इन एमिनेशन वाला क्लिप ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस, आपको राइट साइड में एक डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इन एमिनेशन वाले क्लिप के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। तो यहां से गाइस, आपको बैक आना है। तो गाइस, आपको इन एमिनेशन वाले क्लिप के आप इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको सेकेंड नंबर वाले क्लिप के आप इसको इसमें लगा देना है। यहां से आपको इसको डन करना है। गाइस, आपको सेकेंड वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद क्लिप के आप इस पर क्लिक करना है। इन एमिनेशन वाले क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है। तीसरे नंबर वाले क्लिप ग्राफिक्स को इसमें लगा देना है। इसी तरह से गाइस, आपको सभी वॉलपेपर में अलग अलग क्लिप ग्राफिक्स को लगाते जाना है। तो चलिए हम जल्दी से सभी वॉलपेपर में क्लिप ग्राफिक्स को लगा देते हैं। इस तरह से आपको सभी वॉलपेपर में क्लिप ग्राफिक्स को लगाते जाना है। गाइस, आप देख सकते हैं मैंने सही वॉलपेपर में अलग अलग क्लिप के आप इसको लगा दिया है। आपको भी इसी तरह से सही वॉलपेपर में अलग अलग क्लिप के आप इसको लगा देना है। गाइस, आपको वॉलपेपर की लेयर को जूम आउट करना है। इस तरह से आपको वॉलपेपर की लेयर को जूम आउट करना है। फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है, लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको इसमें एक इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है।
इस तरह से गाइस आपको इसमें पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा देना है। यहाँ से आपको नीचे चले जाना है, नीचे का ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है, स्क्रीन वाले ऑप्शनों को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको इसको डन करना है। फिर से गाइस आपको लेयर पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है, यहाँ से गाइस आपको इसमें एक और इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद इसको खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा देना है। यहाँ से आपको नीचे चले जाना है, नीचे का ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है, स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस आपके जहाँ से वॉलपेपर आने चालू हो रहे हैं यहाँ पर आपको आना है। आने के बाद गाइस आपको लेयर पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है, यहाँ से गाइस आपको इसमें एक बर्थडे पीएनजी लेटर को इसमें सेलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको बर्थडे पीएनजी लेटर को इसमें सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद इसको खींचकर आपको इस तरह से लगा देना है, नीचे साइड में आपको अच्छे से लगा देना है। गाइस आपको इसकी लेयर को खींचकर वीडियो के लेयर के बराबर कर देना है। यहाँ से गाइस आपको इसको डन कर देना है। अब गाइस आपको लास्ट बार लेयर पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको इसमें एक बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको बॉक्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन फुल स्क्रीन में लग जाएगी। आपको बॉर्डर लाइन के लेयर को खींचकर वीडियो के लेयर के बराबर कर देना है। यहाँ से गाइस आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे का ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से अपनी फोटो लगाकर किसी वॉलपेपर को लगाकर बर्थडे स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।